हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, जो कि आने वाली है एडवांस में। और हम लोग आ चुके हैं आज डेकोरेशन करने मारुति सुजुकी जेके रोड पे, और यहाँ पर बेसिकली दिवाली का डेकोरेशन होने वाला है। और गाड़ी वाड़ी लूट करके हम लोग पहुँच चुके हैं वेन्यू पे, एंड अब जो कि करने वाले हैं बहुत बेसिक सा डेकोरेशन है। गेट बनना है, और गेट बनने के साथ में कुछ आर्टिकल्स वगैरह लगेंगे, कुछ प्रिंटआउट्स लगेंगे बेसिकली, जो दिवाली के होने वाले हैं। और वही सेम चीज़ एक और शोरूम पे, एक और ऑफिस है, वहाँ पर करना है। तो आज के व्लॉग में दो जगह का डेकोरेशन करने वाले हैं, और विद इन 3-4 आवर्स में ही करना है सारी चीज़ें, तो कर लेंगे वो सारी चीज़ें। तो रिजल्ट देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये रही वेन्यू, शायद आज डिलीवरी हो रही है किसी की, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला गेट बनना है यहाँ पर। और ये जो जितने मिरर्स वगैरह हैं, इसमें कुछ प्रिंटआउट्स वगैरह हैं दिवाली ओकेजन के, तो वो पेस्ट करना बहुत छोटा सा काम है ये। बट कमर्शियल वाले में ये होता है कि आप नेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो इस पर्टिकुलर जगह पर ऊपर जो है ट्राई ये करेंगे कि बिना नेल्स के किसी सपोर्ट से ही पट्टे वगैरह हैंग कर दें अपन। तो अभी तो ये प्रिंट आउट पेस्ट करे हैं मिरर्स पे। ये ऊपर वाला तो बहुत जुगाड़ से लगा ही लिया, पर अब ये वाले पार्ट का बचा हुआ है, यहाँ पर लगाएंगे। इसमें सील टोक नहीं सकते हैं, तो ऊपर से हैंग करेंगे इसको, और फिर पेस्ट करेंगे टेप से इस साइड से ऊपर से। बहुत अच्छा। क्या करेंगे आप हमारे दरामिशम टीम को कि कितना टाइम? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक साइड का काम कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड। पहले कुछ खाएंगे, और उसके बाद जाना है हमें ओरा मॉल के पास में, तो नाश्ता वास्ता करके फिर अब ओरा मॉल जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम दूसरी साइड पर। सो वी हैव रीच्ड टू आवर सेकंड डेस्टिनेशन एंड दैट इज न्यू विजन थिंक फॉरवर्ड। तो ये है कंपनी का नाम, और डेकोरेशन में बेसिकली ये करने वाले हम लोग। ये वाला गेट पर डेकोर होगा, ट्रेडिशनल फ्लावर डेकोरेशन होने वाला है। यहाँ से एंटर करेंगे, कुछ हैंगिंग्स यहाँ पर आने वाली है। हैंगिंग्स यहाँ पर आने के बाद भी जो इनका मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पे यहाँ पर एक स्पीकर लगेगा इस वाली एरिया में, फिर इस वाले एरिया में एक बैकड्रॉप बनने वाला है, और ये जितने भी पूरा ऊपर दिख रहा है यहाँ पर हैंगिंग्स वगैरह लगने वाली है। तो मतलब हो जाएगा, कुछ बड़ा काम नहीं है, बट जस्ट कि भाई ऐसे काम भी आते हैं और करने भी पड़ते हैं भाई। और कॉर्पोरेट इवेंट्स में बस एक चीज़ को ध्यान देना पड़ता है कि भाई आप ज़्यादा निगल्स वगैरह नहीं लगा सकते हो, या कुछ भी डैमेज वाली चीज़ नहीं कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ ऐसी करनी है कि नेक्स्ट टाइम लाइक उनका जो भी फर्नीचर वगैरह है उसको स्पॉइल ना करो, उनकी प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज ना करो। तो करते हैं, और फिर आप देखिए लास्ट में क्या रिजल्ट आता है। उन्होंने बोला कि पहले मैं अपनी किडनी बेचूंगा, स्टार्टअप करूंगा। आईफोन ले तो लेते हैं सर, फिर बाद में पछताते हैं लेके। अरे यार ऐसा पैसा, बात तो सही है भैया, जो 5000 के फ्यूचर चलेगा वो उसमें नहीं चलेगा, समझे? आईफोन मत लेना। दिवाली वाइब्स आने लगी अभी से मुझे ऑफिस में, और हैंगिंग्स वगैरह लगा दी हम लोग, ऑलमोस्ट हो चुकी है। एंड भैया इस वाले एरिया में और लगा, ये हाँ ये वाला जो एरिया बच रहा है ना, यहाँ और लगा दे, और उस साइड में भी थोड़ा सा बच रहा है वो लगा। तो मौसम तो ठीक है, बट ऑफिस बहुत सुंदर बनाया हुआ है, लाइक एम्प्लॉयज़ के बारे में काफ़ी सोचा गया है, गेम्स, ऑफिस के एनवायरनमेंट, कैफेटेरिया है बहुत सुंदर सा इनका, वॉशरूम्स बहुत क्लीन है, नाइस कंपनी है, अच्छा ऑफिस है। सो द डेकोरेशन इज एंड, दोनों जगह का काम खत्म हो चुका है, एंड सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा पहले वाला डेकोरेशन के रिजल्ट देखने के लिए। तो बस अब कुछ और टाइम, मैं डाल देता हूँ वीडियो दोनों जगह के। पहला वाला जो था वो मारुति का था, और अभी जो है न्यू विजन का है। तो डेकोरेशन हो गया दिवाली में, बेसिकली डेकोरेशन में और भी चीज़ें की जा सकती है, बट इट्स ऑल डिपेंड्स यू नो। तो वैसा था, पर ऐसा है हम लोग जो भी बजट रहता है उसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं उस बजट में करके देते हैं। तो मिलते हैं नए डेकोरेशन के साथ में, नई थीम्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।
आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर। सब आप सबको अच्छा लगा? अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। ठीक है, तो एक बार द रामेश्वरम टीम के लिए ऐसे कर दीजिए।